ये कौन से टायर हैं जो 3.25 करोड़ के आते हैं? तहरीके इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने मरियम नवाज की गाड़ी के टायरों पर सवाल उठा दिए। तो जनाब, खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती इस्तेमाल की सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने और नई पोशीश और मैट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए तलब किए गए हैं। इस हवाले से ईवान ने वज़ीर आला ने सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 2.73 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट फौरी तौर पर जारी किया जाए। खबर पर अजमा बुखारी का रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ी की मरम्मत मामूल का काम है, इसे वज़ीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मस्जिद कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मस्कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मस्जिद कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मज़म्मत अमर है। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि ये कौन से टायर हैं जो 3.25 करोड़ के आते हैं? अवाम के टैक्स का पैसा गाड़ी की डेकोरेशन पर करोड़ों में लगाया जा रहा है। कानूनी तरीक़ाकार की बात हमें ना समझाएं, जो अपना हलका हार कर जाली तौर पर जीत कर आने वाले हमसे कानून की बात ना करें। अपना हलका हार कर जाली तौर पर जीत कर आने वाले हमसे कानून की बात ना करें।